मध्य प्रदेश हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार का सेंटर है, एपी सेंटर है। जितना भ्रष्टाचार बीजेपी के लोगों ने मध्य प्रदेश में किया है, पूरे देश में यह नहीं किया है। लेकिन जैसे ही मैं ये बात कहता हूं, आप नोट करना, आज मैंने यहां खुले में यह बात बोली है, ये सारे के सारे टीवी कैमरा बंद हो जाएंगे। तीन किसान हर रोज मध्य प्रदेश में मरते हैं, ये इनकी सरकार है। क्यों? मैंने मीडिया की बात की, मैंने मजाक में कहा कि मीडिया वाले हमारी मीटिंग तो दिखाएंगे नहीं। मोदी जी का चेहरा 24 घंटा दिखेगा, शिवराज जी का चेहरा 24 घंटा दिखेगा। क्यों? आप कर्नाटक जाइए, राजस्थान जाइए, छत्तीसगढ़ जाइए, हिमाचल जाइए, हमारी सरकारें गरीबों के लिए, कमजोर लोगों के लिए काम करती हैं। विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी, दूसरी तरफ आरएसएस और बीजेपी, एक तरफ गांधी जी, दूसरे तरफ गोडसे। ये भैया इनको दिखाई नहीं दे रहा है, भैया प्रेस वाले थोड़े नीचे हो जाएं तो लोगों को दिखे। बात सही है, क्योंकि प्रेस वाले हमारी मीटिंग तो दिखाएंगे ही नहीं। तो एक तरफ गांधी जी, दूसरी तरफ गोडसे, एक तरफ नफरत और हिंसा, अहंकार, और दूसरी तरफ मोहब्बत, आदर, भाईचारा। अब देखिए, जहां भी ये जाते हैं नफरत फैलाते हैं, गुस्सा पैदा करते हैं। अब हुआ क्या? अब मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश का युवा, मध्य प्रदेश का किसान इनसे नफरत करने लग गया है। जो उन्होंने जनता के साथ किया, अब जनता उनके साथ कर रही है। और इसीलिए हमने ये सात यात्राएं, जन आक्रोश यात्राएं मध्य प्रदेश में निकाली हैं। इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा में कन्याकुमारी से हम कश्मीर तक चले और मध्य प्रदेश से पैदल निकले। कमलनाथ जी कितने किलोमीटर चले थे हम यहां? नहीं नहीं, मध्य प्रदेश में टोटल कितने चले थे? नहीं नहीं नहीं, यात्रा कितने किलोमीटर चली थी? लगभग 180 किलोमीटर। हाँ, ये देखिए 370 किलोमीटर हमारी यात्रा मध्य प्रदेश में चली थी। किसानों से मिले, युवाओं से मिले, माताएं बहनों से मिले, मुझे सिर्फ दो तीन बातें कही। सबसे पहले, मध्य प्रदेश हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार का सेंटर है, एपी सेंटर है। और जितना भ्रष्टाचार बीजेपी के लोगों ने मध्य प्रदेश में किया है, पूरे देश में यह नहीं किया है।
बच्चों के फंड्स, मिड डे मील के फंड्स, स्कूल यूनिफॉर्म के फंड्स चोरी किए। महाकाल कॉरिडोर में बीजेपी ने पैसा चोरी किया। व्यापम स्कैम को आप सब जानते हो, 1 करोड़ युवाओं को इन्होंने नुकसान पहुंचाया। एमबीबीएस की सीट्स बेची जाती हैं और पेपर लीक किए जाते हैं, यह इनका राज है। दूसरी बात, किसानों ने अपनी बात बताई। किसानों ने कहा, और यहां आप सोयाबीन उगाते हो, आप इसको सबसे अच्छी तरह समझोगे, कि हमें मध्य प्रदेश की सरकार सही दाम नहीं देती है। अब आप जाइए छत्तीसगढ़ में, जाइए पास, जाइए दूर नहीं है, छत्तीसगढ़ जाइए और छत्तीसगढ़ के किसी भी किसान से आप पूछिए, छत्तीसगढ़ में धान के लिए किसानों को कितना पैसा मिलता है, कांग्रेस की सरकार कितना पैसा देती है। हमने वायदा किया था 2,500 रुपए धान के लिए दिए जाएंगे, और छत्तीसगढ़ में जो हमने वायदा किया वो हमने वायदा पूरा करके दिखा दिया। मध्य प्रदेश में कर्जा माफी का वायदा किया, छत्तीसगढ़ में किया, राजस्थान में किया, कर्नाटक में किया, हर स्टेट में हमने कर्जा माफी की थी। यहां पे कमलनाथ जी कर्जा माफ करवा रहे थे और यहां आपको धोखा देके आपकी सरकार को बीजेपी वालों ने चोरी की। सही बात है, भाई और बहनों, 18,000 किसानों ने यहां पे पिछले 18 साल आत्महत्या की है। 3 किसान हर रोज मध्य प्रदेश में मरते हैं। यह इनकी सरकार है। क्यों? क्योंकि ये चुने हुए लोगों के लिए काम करते हैं। पहली बार हिंदुस्तान की हिस्ट्री में पहली बार किसान टैक्स दे रहा है। इन्होंने जीएसटी लागू की और 5 कानून लाए, काले कानून, किसानों को दबाने के, खत्म करने के कानून। हिंदुस्तान के सारे किसान इनके खिलाफ खड़े हो गए। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, किसानों के फायदे के लिए मैं ये कानून, काले कानून लाया हूं। अगर किसानों के फायदे के लिए कानून लाए तो किसान सड़क पे क्यों उतरे हैं? नरेंद्र मोदी जी कहना चाहते थे कि किसानों को कोई समझ नहीं है, किसान अपने हित को नहीं जानते। नरेंद्र मोदी कहना चाहते थे कि हिंदुस्तान के 2-3 अरबपति अदानी जी किसान को फायदा पहुंचाने के लिए काम करते हैं। भाइयों और बहनों, आप कर्नाटक जाइए, राजस्थान जाइए, छत्तीसगढ़ जाइए, हिमाचल जाइए, हमारी सरकारें गरीबों के लिए, कमजोर लोगों के लिए काम करती हैं। कर्नाटक में हमने 5 गारंटी दी, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए। आप जाइए कर्नाटक में, जाइए कर्नाटक की महिलाएं बस में जाने के लिए 1 रुपया नहीं देती हैं, मुफ्त में घूमती हैं।
कहीं भी जाना हो कर्नाटक में, कहीं कर्नाटक की महिलाएं फ्री में जाती हैं। हर महीने उनके बैंक अकाउंट में सीधा पैसा आता है, सरकार पैसा देती है। छत्तीसगढ़ में जाइए, किसानों का कर्जा माफ किया, किसानों को सही दाम दिलवाते हैं। राजस्थान में जाइए, स्वास्थ्य के बारे में पूछिए, मुफ्त में वहां पे दवाई मिलती है, 15 लाख रुपए का वहां पे फ्री में इलाज होता है। हार्ट सर्जरी करवानी हो, बड़ी से बड़ी सर्जरी करवानी हो, राजस्थान में जाइए, पता लगाइए, राजस्थान की जनता को वहां पे फ्री में सर्जरी मिलती है। सरकार जनता के लिए चलनी चाहिए, सरकार किसी संगठन के लिए या एक दो बड़े उद्योगपतियों के लिए नहीं चलनी चाहिए। और ऐसी ही सरकार हम यहां मध्य प्रदेश में चलाना चाहते हैं। और कमलनाथ जी का काम आपने देखा है, काम करना जानते हैं, और जो उन्होंने काम शुरू किया था वो काम वो मध्य प्रदेश में पूरा करने जा रहे हैं। मैं आपसे आखिरी बात कहना चाहता हूं, पार्लियामेंट में मैंने अदानी जी की बात उठाई, भाषण दिया, जैसे ही मैंने अपना पार्लियामेंट में अदानी जी का भाषण दिया वैसे ही बीजेपी ने मेरी लोकसभा की जो सदस्यता है उसे रद्द कर दी, खत्म कर दी। आप सोचिए, अदानी जी की रक्षा करने के लिए एकदम मेरी लोकसभा की जो सदस्यता थी उसको कैंसिल कर दिया। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, करिए जितना करना है, मैं सच्चाई बोलता हूं। और देश के सामने एक सच्चाई अदानी जी हैं। पोर्ट्स देख लीजिए, एयरपोर्ट्स देख लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, धान के साइलोज देख लीजिए, हर जगह आपको अदानी जी दिखाई देंगे। अदानी जी किसानों के जेब में से, हर रोज जेब में से आपका पैसा लिया जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में, डीजल में, पेट्रोल में, फर्टिलाइजर में, आपके जेब में से पैसा निकलता है और सीधा इन दो उद्योगपतियों के जेब में जाता है। मैंने मीडिया की बात की, मैंने मजाक में कहा कि मीडिया वाले हमारी मीटिंग तो दिखाएंगे नहीं, मोदी जी का चेहरा 24 घंटा दिखेगा, शिवराज जी का चेहरा 24 घंटा दिखेगा। क्यों? क्योंकि इनका रिमोट कंट्रोल अदानी जी के हाथ में है। देखिए ये मुस्कुरा रहे हैं, प्रेस वाले मुस्कुरा रहे हैं, इनके बेचारे की गलती नहीं है, ये रिपोर्टर है, इनकी गलती नहीं है, ये सच्चाई जानते हैं। रिमोट कंट्रोल पीछे से कंट्रोल दबता है। एक और सच्चाई है, और वो सच्चाई शायद अदानी जी से भी बड़ी सच्चाई है। कुछ दिन पहले बीजेपी ने महिला आरक्षण की बात की, महिला आरक्षण में हमने एक सवाल उठाया, कांग्रेस पार्टी ने उठाया, बीजेपी ने कोई जवाब नहीं दिया। हमने दो चीजें कही, हमने पहले कहा देखिए ये महिला आरक्षण जो आप कर रहे हो ये अच्छा है, इसको करना चाहिए, मगर इसमें आपने दो छोटी सी लाइनें लिख रखी हैं, सबसे पहले इन लाइनों को आप मिटाइए। लाइन क्या थी? एक लाइन थी कि महिला आरक्षण से पहले
सर्वे करने की जरूरत है। और दूसरी लाइन, महिला आरक्षण करने से पहले हमें जो डीनोटिफिकेशन होता है उसको करना है। इससे क्या होगा? इससे महिला आरक्षण 10 साल बाद होगा, आज नहीं होगा। तो हमने कहा पहले ये दो लाइनों को आप बदलिए। और उसके बाद हमने और भी गहरी चीज कही और सवाल पूछा कि महिला आरक्षण में ओबीसी आरक्षण क्यों नहीं है। ओबीसी आरक्षण, महिला आरक्षण में आपने क्यों नहीं दिया? नरेंद्र मोदी जी, आप कहते हैं कि आप ओबीसी के लिए काम करते हैं, आप ओबीसी के नेता हैं, तो आपने महिला आरक्षण के अंदर के बीच में ओबीसी आरक्षण क्यों नहीं किया? अब भाषण से पहले मैंने आंकड़े देखे और मैं हैरान हो गया। भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी कहते हैं कि बीजेपी में ओबीसी के एमएलए और एमपी हैं। सबसे पहले कांग्रेस के तीन चीफ मिनिस्टर ओबीसी हैं, यह याद रखिए आप। हमारी चार सरकारें हैं, तीन हमारे ओबीसी चीफ मिनिस्टर हैं। दूसरी बात, आप पार्लियामेंट में, विधानसभा में चले जाइए और बीजेपी के किसी भी एमएलए से पूछ लीजिए, एमपी से पूछ लीजिए, आपसे कुछ पूछा जाता है क्या? जब कानून बनाए जाते हैं आपसे कुछ पूछा जाता है? आपको कहेंगे भैया हमारे से कुछ कोई नहीं पूछता। कानून आरएसएस वाले लोग बनाते हैं, कानून अफसर बनाते हैं, कानून बीजेपी के एमएलए और एमपी नहीं बनाते। सच्चाई भाइयों और बहनों एक और है। सच्चाई यह है कि हिंदुस्तान को 90 अफसर चलाते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी और सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं 90 लोग। ये कानून बनाते हैं, ये निर्णय लेते हैं पैसा किधर जाएगा, कितना पैसा कहां जाता है। अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, बीजेपी के 10 साल से सरकार है, 90 अफसर सेक्रेटरी हिंदुस्तान को चलाते हैं। मैं हिंदुस्तान के सब ओबीसी से पूछना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं आपकी भागीदारी है हिंदुस्तान की सरकार में, मध्य प्रदेश की सरकार में, आप मुझे बता दो इन 90 अफसरों में से ओबीसी कितने हैं, ओबीसी की आबादी कितनी है, पहले ये बताओ। कितनी आबादी है ओबीसी की हिंदुस्तान में? देखो कोई जवाब नहीं दे सकता, कोई जवाब नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि कास्ट सेंसस नहीं हुआ है। भाइयों और बहनों, लगभग ओबीसी भाइयों की बहनों की 50% आबादी है हिंदुस्तान में। बात समझिए, आबादी 50% है और 90 में से 3 अफसर ओबीसी के हैं। और एक और मजेदार बात बताता हूं, 3 साल पहले आप देखते तो हिंदुस्तान की सरकार में, नरेंद्र मोदी जी की सरकार में 90 में से 0 अफसर ओबीसी से थे।
ये देश की सच्चाई है। नरेंद्र मोदी जी ओबीसी के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए काम नहीं करते हैं। आपका ध्यान इधर उधर करते हैं। दूसरा सवाल आपसे पूछता हूं, हिंदुस्तान की सरकार का बजट लाखों करोड़ रुपए का बजट है। मैं आपसे पूछता हूं, ये जो तीन ओबीसी अफसर हैं, इनकी भागीदारी कितनी है? ये बजट पे कितने रुपए पर निर्णय लेते हैं मुझे बता दो। मैं आपको बताता हूं, तकरीबन 45 लाख करोड़ रुपए का बजट है। आप मुझे बताओ, ओबीसी अफसर कितने रुपए पर निर्णय लेते हैं मुझे बता दो। नरेंद्र मोदी जी की ओबीसी की सरकार है, सब शांत, किसी को नहीं मालूम। क्यों ये आपको नहीं बताना चाहते हैं? आपकी सच्चाई आपको नहीं बताना चाहते। सच्चाई भाइयों और बहनों ये है कि हिंदुस्तान के पूरे बजट में 5% की भागीदारी ओबीसी के अफसरों के हाथ में है। ओबीसी अफसर 3 है 90 में से, और 5% बजट को कंट्रोल करते हैं। यह है नरेंद्र मोदी जी का काम। नरेंद्र मोदी जी ओबीसी की सरकार नहीं चलाते हैं। नरेंद्र मोदी जी का काम जो आरएसएस ने उनको दिया है, आपका ध्यान इधर उधर करने का है, नफरत फैलाने का है, हिंसा फैलाने का है। अगर सचमुच में नरेंद्र मोदी जी ओबीसी के लिए काम करते थे तो 90 में से 3 अफसर ओबीसी के कैसे हैं? 3-4 साल पहले एक भी अफसर नहीं था ओबीसी का। हिंदुस्तान को तो ये चलाते हैं। शिक्षा में कितना पैसा जाएगा, स्वास्थ्य में कितना पैसा जाएगा, नरेगा कैसे बनेगा, भोजन का अधिकार कैसे डिजाइन होगा, ये तो इन अफसर निर्णय लेते हैं। भाई और बहनों, ओबीसी की सरकार नहीं है। और देखिए, जैसे ही मैं ये बात कहता हूं, आप नोट करना, आज मैंने यहां खुले में यह बात बोली है, ये सारे के सारे टीवी कैमरा बंद हो जाएंगे। आप देख लेना, ये सारे के सारे बंद हो जाएंगे। क्योंकि जो सच्चाई है देश की कि ये जो सारी की सारी लूट हो रही है, ये व्यापम स्कैम जो है, ये सारा का पैसा, ये आपका शिक्षा का पैसा, स्वास्थ्य का पैसा जो चोरी हो रहा है, ये ओबीसी की जेब में से पैसा चोरी हो रहा है। ये मैं आपसे कहना चाहता था, इसको आप मत भूलिए। सबसे जरूरी चीज, जैसे कमलनाथ जी को चोट लगी, आपको चोट लगी सुना है, लगी ना? कमलनाथ जी यात्रा में निकले, रथ पे, रथ के कोने पे खड़े थे, बहुत भारी भीड़ थी, धक्का लगा, घुटने में चोट लगी। कमलनाथ जी जैसे ही आप अस्पताल गए, पहला काम क्या हुआ, डॉक्टर ने पहला काम क्या किया बताइए? पहला काम डॉक्टर ने एक्सरे लिया, एमआरआई लिया। उसके बाद डॉक्टर ने कहा, हां, घुटने में यह प्रॉब्लम है। अब मैं यही बात कह रहा हूं,
सब लोग कहते हैं हिंदुस्तान में ओबीसी है, दलित है, जनरल है, आदिवासी है, मगर जब हम सवाल पूछते हैं ओबीसी कितने हैं, जनरल कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, कोई जवाब नहीं दे पाता। देखो मैं पूछता हूं, भैया ओबीसी कितने हिंदुस्तान में, कोई नहीं दे सकता। तो मैं ये कह रहा हूं कि अब वो समय आ गया है कि हमें हिंदुस्तान का एक्सरे करना है, यह पता लगाना है कि अगर 90 अफसर हिंदुस्तान को चला रहे हैं और उसमें से 5% भागीदारी ओबीसी को मिल रही है, तो क्या ओबीसी की आबादी 5% है? क्या हो ही नहीं सकता। तो अगर उनकी आबादी 5% नहीं है, अगर उनकी आबादी 50% है, तो उनका 5% बजट पे कंट्रोल क्यों है, उनका 50% बजट पे कंट्रोल क्यों नहीं है? अब जब मैं ये सवाल उठाता हूं, बीजेपी के लोग कांपने लग जाते हैं, नरेंद्र मोदी जी भाग जाते हैं, अमित शाह जी कुछ और कहते हैं, हिंदू मुस्लिम कहेंगे, नफरत फैलाने की कोशिश करेंगे। भाई और बहनों, देश के सामने एक ही मुद्दा है, कास्ट सेंसस, ओबीसी कितने हैं और उनकी भागीदारी कितनी होनी चाहिए, यह हिंदुस्तान के सामने सबसे बड़ा सवाल है। और कांग्रेस पार्टी की हिंदुस्तान में सरकार आएगी, पहला काम यह हम करके दिखाएंगे। अब बीजेपी के पास, मजे की बात सुनिए, कास्ट सेंसस कांग्रेस पार्टी ने किया, जब हमारी सरकार थी हमने किया, सारे के सारे आंकड़े नरेंद्र मोदी जी के पास हैं। हिंदुस्तान में कौन सी जात की कितनी आबादी है हिंदुस्तान की सरकार जानती है, हिंदुस्तान में ओबीसी कितने हैं हिंदुस्तान की सरकार जानती है। नरेंद्र मोदी, हिंदुस्तान के ओबीसी को ये बताना नहीं चाहते हैं कि आप कितने हो, क्योंकि वो आपको भागीदारी नहीं देना चाहते हैं, वो आपको सच्ची शक्ति नहीं देना चाहते हैं, वो आपके लोगों को विधानसभा में बैठा देते हैं मगर फिर उनको बिल्कुल चुप करा देते हैं। हम चाहते हैं कि सबकी भागीदारी हो, किसानों को सही दाम मिले, ये सबका हिंदुस्तान है, दो तीन उद्योगपतियों का नहीं है। इसीलिए हमारा पहला काम कास्ट सेंसस होगा, और जैसे ही हमारी सरकार आएगी हम देश को बता देंगे इस देश में कितने ओबीसी हैं, कौन से कितने जात की आबादी है। ये अगर हमें सचमुच में हिंदुस्तान की जनता को शक्ति देनी है, तो जैसे कमलनाथ जी का एक्सरे हुआ था, एमआरआई हुई थी, वैसे ही हम हिंदुस्तान का एमआरआई, हिंदुस्तान का एक्सरे करा के देंगे। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, लाल गोदी। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले राहुल जी का मेरा निवेदन है सबसे कि 2 मिनट ये स्वाती शिक्षक भी आए और यहाँ पे पार्षद। एक और बात, कमलनाथ जी ने मुझे याद दिलाया, देखिए कमलनाथ जी ने यहाँ पे 27% रिजर्वेशन ओबीसी को दिलवाया था, कानून पास किया था, और बीजेपी के लोगों ने पीछे से उसे रद्द किया।